Okay, we are back with a new question. Find VT and IT in the given circuit. एक सर्किट गिवन है हमें, जिसमें हमें वोल्टेज सोर्स दे रखा, जिसकी वैल्यू 10 cos 4t, ठीक है। एक रजिस्टर है 5 ओम का, एक कैपेसिटर लग रहा 0.1 फेरेड का, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज बतानी और हमें इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इम्पीडेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा चाहिए, ठीक है। तो हम ओमेगा कहाँ से निकालेंगे, ओमेगा जो होती है जो भी सोर्स दे रखा है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, तो वहां पे उस जो दे रखा होगा वहां से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। ये एसी सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, कोस ओमेगा टी, यानी इसको कंपेयर करेंगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो टी का कोफिशियंट होता है वही ओमेगा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ओमेगा इक्व टू कितना आ जाएगा, 4 यहाँ से, तो ओमेगा इज इक्व टू कितना आ गया, 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसको देखो, इसका इम्पीडेंस निकाल लो। अगर मैं इसका इम्पीडेंस जेड सी कहता हूँ, कैपेसिटर का क्या होता है, 1 अपॉन j ओमेगा c, सी की वैल्यूएशन दे रखी है 0.1 फेरेड, जे ओमेगा की वैल्यू कितनी 4 और सी की वैल्यू 0.1 फेरेड। इसको मैं कैसे लिख लूंगा, जे को मैं ऊपर ले गया माइनस जे हो गया, 0.1 को ऊपर ले गया, ये हो जाएगा 10 अपॉन 4। इसको मैं लिखूंगा कितना हो जाएगा, जे 2.5, ठीक है। ये कितना आ गया, इसका जो इम्पीडेंस होगा कैपेसिटर का, यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसका कितना होगा, माइनस जे 2.5 ओम, ठीक है, इतने ओम। तो यहाँ पे जेड सी मैं इसको कहता हूँ, वो कितना आया, जे 2.5 ओम। अब देखो इसको अगर मैं फेजर में लिख लूँ, देखो फेजर में कैसे लिखते हैं, इसका जो एम्पलीट्यूड है पहले उसको वो लिखा, एट एन एंगल ऑफ, जितने का एंगल दे रखा, देखो ये तो ओमेगा टी प्लस यहाँ पे कितने का एंगल है, मतलब जितने का शिफ्ट है, शिफ्ट है इसमें कितने का, 0 डिग्री का, इसमें कोई एक्स्ट्रा एंगल नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। तो क्या रहेगा, 0 डिग्री, कोस ओमेगा टी प्लस फाई, जो फाई होता है वही यहाँ पे एंगल लिखते हैं। तो हमें वोल्टेज सोर्स पता चल गया फेजर फॉर्म में, इसका इम्पीडेंस पता चल गया, आई इक्व टू क्या होगा, देखो ये करंट आई इससे ही फ्लो होगी, इससे भी, तो ये दोनों एक सीरीज सर्किट है, तो आई की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, वी एस यानी 10 एट एन एंगल ऑफ 0 प्लस टोटल जो भी इम्पीडेंस आ रहा है 5 ओम प्लस इसका जेड सी, जेड सी का कितना आया, माइनस जे 2.5। अब ये देखो इसमें दे रखा फेजर में, इसको नीचे वाले को फेजर में चेंज कर लो, 10 एट एन एंगल ऑफ 0, इसको जब उसमें चेंज करेंगे फेजर में क्या होगा, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल निकालेंगे, एंगल क्या होता है, 10 इनवर्स, कौन सा, इमेजिनरी पार्ट का, जे का जो कोफिशियंट है पहले उसको लिखेंगे, -2.5 अपॉन रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट कितना 5, ये हो गया इसका एंगल। तो आई की जो वैल्यू आ गई कितने आ गए, 10 एट एंगल ऑफ 0, ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2.5 का स्क्वायर करेंगे वो कितना आएगा, 0.625। इसका ये माइनस बाहर आ गया और ये कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स, 2.5 से ये 5 कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स, 10 इनवर्स यानी 1/2। तो आई इक्व टू कितना आ गया, 10 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये आएगा देखो 25 प्लस 6.25, इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा, 5.59, ठीक है, 5.59 एट एन एंगल ऑफ माइनस, 10 इनवर्स 0.5 की वैल्यू होती है 26.56, ठीक है, 26.56 डिग्री। बस अब इसको सोल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, एंगल क्या होंगे, नीचे जब डिवीजन में होते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में होते हैं तो एडिशन हो जाता है एंगल्स का। तो ये कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 5.59 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस
26.56, ठीक है, अगर डिवीजन में होता तो। तो आई की जो वैल्यू है कितनी आ गई, इसको करो सोल्व, 10/5.59 कितना आया, 1.79, ठीक है, 1.79 एट एन एंगल ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 0 डिग्री को मैं ऐड करूंगा, कितना रहेगा 26.56 डिग्री। ये आ गए इतने एम्पियर करंट, ठीक है, इतने एम्पियर करंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हमसे पूछा है नेक्स्ट, अगर इसको हमें वैसे लिखना, देखो जिस फॉर्म में क्या दे रखा, वोल्टेज दे रखा उसको, अगर मैं इसको वोल्टेज की फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये दे रखा, इसको इसी फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, यानी टाइम डोमेन में क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड 1.79 कोस, जिसमें दे रखा था, ठीक है, रेफरेंस क्या था हमारा, cos 40, cos ओमेगा टी है ना, जितने का एंगल आया उसको इसमें ऐड कर देना, अगर माइनस का आता माइनस के साथ ऐड, प्लस का प्लस के साथ, 26.56 डिग्री, ठीक है। कहीं कहीं भी आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है, ये फेजर फॉर्म है, ये टाइम डोमेन वाली फॉर्म है, यानी कौन सी पोलर फॉर्म है। अगर हम अब हमसे पूछा गया वी 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 कस टू क्या होता, IR, ठीक है, हमें ये क्या इम्पिडेंस पता, उससे फ्लो होने वाली करंट पता, करंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही, ठीक है। तो हमसे वी पूछा जाएगा, वो कितना आएगा, IZC हो जाएगा, है ना, हम इम्पिडेंस जो वो कितना है, ZC है इसका, और करंट कितनी फ्लो हो रही है उससे, i, ठीक है। आई की वैल्यू कितना आई है, फेजर में लिखूंगा मैं, 1.79 एट एन एंगल ऑफ 26.56 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ZC। ZC को अगर मैं फेजर फॉर्म में लिखता हूँ, देखो फेजर फॉर्म में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, ZC को मैं फेजर फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2.5, और माइनस J कितना होगा, -90 डिग्री, ठीक है। तो इस ये आ चुका है 2.5 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री, वी कस टू कितना आ जाएगा, 1.79 की मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड जो भी है इसके मैग्नीट्यूड उनकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और एंगल मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, एडिशन ऐड हो जाते हैं, यानी 26.56 डिग्री -90 डिग्री। तो वी कस टू कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई करो 1.79 का, 79 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये आ जाएगा 4.47, और एंगल आ जाएगा हमारा कितना, -63.43 डिग्री, ठीक है। तो V की वैल्यू आ चुकी है, अगर मुझे इसको जिस फॉर्म में हमारा आंसर दे वोल्टेज सोर्स था उसमें चेंज करें तो कितना आ जाएगा टाइम डोमेन में, यानी 4.47, रेफरेंस था हमारा cos 40, है ना, जो भी एंगल आया 63.43 डिग्री, ठीक है। तो इतने वोल्ट, तो अगर ऐसे दे रखा आंसर, ये दोनों ठीक है, ठीक है, ऐसे ही जैसे करंट, इन दोनों किसी भी एक फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो हमने देखा कि कैसे मतलब AC सर्किट को सोल्व कर सकते हैं, अगर उसमें इसमें फेजर्स का यूज हुआ, कैसे हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया, ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।